पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। यशोमती मैया के नंदलाला। मैया बहुत पीड़ा आ रही है मैया। हाँ नन्ना, तू घर चल, मैं तुझे औषधि लगा दूंगी, हल्दी का लेप लगाऊंगी ना, झट से ठीक हो जाएगा। चल चल। बस लल्ला बस, रो मत, चल 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 आजा, अभी औषधि लगाऊंगी ना, तेरी सारी पीड़ा लुप्त हो जाएगी। आजा आजा बैठ जा लल्ला, अभी आई मैं। हाँ मैया। अरे तो अभी तक रो रो है, हुँ? क्या कह रही थी सारी गोपियां बता, हुँ? के मेरा लल्ला श्री नारायण का अवतार है, हुँ? दिव्य है, भगवान है, और जब भगवान इतनी छोटी सी चोट पे रोते हैं क्या? आ? इतनी तो लगी भी ना है तुझे, जितना तो तू आ ऊ कर रो है। करूंगो, आप ऐसे दुलार थोड़ी करोगी। ओहो, वृंदावन का गौ पालक जे इतनी छोटी सी चोट पे रोतो है ना, गोप बालकों का मुखिया इतनी छोटी सी चोट पे रोतो है। मेरा लल्ला तो सबसे शक्तिशाली है, जे इतनी छोटी सी चोट तो क्या बड़े बड़े राक्षसों से भी ना घबरातो है। हाँ, एक बार में सबको समाप्त कर देतो है कि ना? हाँ मैया, यदि कोई राक्षस वृंदावन की ओर तेरी दृष्टि करके आएगा तो सबसे पहले कान्हा को सुरक्षा में खड़ा पाएगा, फिर जाए जो पाल बन के आए या बगुला बन के। ना लल्ला, सोचो भी मती, वृंदावन की सुरक्षा करना तेरा दायित्व ना है, तुझे और कोई संकट का सामना करने की आवश्यकता ना है। अभी तो मेरी पीड़िता का हरण कर रही थी, अचानक से क्या हो गया मैया को? कोई आवश्यकता ना है तुझे ऐसे संकटों का सामना करने की, आने दे आज तेरे बाबा को, सीधा सीधा बोल दूंगी, बहुत हो गए उनके तर्क वितर्क। मेरा फूल सा लल्ला वन में अकेले गौचारण के लिए ना जाएगो, आज बगुले ने निकल लियो, कल कछु और हो जाए तो नारायण ना करे, कहीं कछु ऊंच नीच, तुझे कछु हो जाए तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। लकी वीर मैया, इतनी से बात तो रोती है क्या? क्या करूं काना, तुझे ऐसे बार बार संकट के मुंह में जाते हुए ना देख सकती मैं। तो फिर मैया मैं वचन देता हूँ, आज के बाद मैं गौचारण के लिए तभी जाऊंगा जब आप आज्ञा दोगी। पक्का? छल ना करेगा ना मेरे साथ? मैंने कब छल करो मैया। अच्छा ठीक है, ना करूं चल, यदि आपसे पूछे बिना बाहर निकलो तो ये रही आपकी छड़ी और ये रे मेरी पीठ, चेक देना तापर तोड़।
ठीक है, जब तूने अपना दंड निर्धारित कर ही लियो है तो सोच ले, अब अगर तूने मेरी बात ना मानी तो तोड़ तोड़ छड़ी पड़ेगी, समझ आई? अच्छा ही है कि काना कुछ दिन घर ही रहे, राजवन में जो हुआ है अवश्य कंस ने ही करवाए हुए वो सब। आपका ये धनुष तो सबसे अधिक शक्तिशाली था महाराज, ये कैसे टूट गया? कहीं ये वकासुर की पराजय का संकेत तो? प्राप्ति, लगता है तुम्हें शुभ समाचार मिला नहीं। उस वकासुर ने उस विष्णु अवतार को जीवित ही निगल लिया है। अरे अब तक तो उस नन्हे से बालक को पचा भी चुका होगा वो, उसके तन में रक्त बनकर वो विष्णु अवतार और उसकी शक्तियां दौड़ रही होंगी। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए, इस अशुभ से मुख से शुभ समाचार आने दो। माथे के बल को ढीला करो, चेहरे पर मुस्कान लाओ और कहो, महाराज वृंदावन में मातम फैल चुका है। मैं ऐसा ही करता महाराज, यदि सूचना सत्य होती तो। कहना क्या चाहते हो? एक क्षण में सूचना उगलो, अन्यथा मेरा योद्धा वकासुर विष्णु अवतार की तरह तुम्हें भी जीवित निकल जाएगा। आने दो। वकासुर मारा गया महाराज, वकासुर मारा गया महाराज, वकासुर मारा गया महाराज, वकासुर मर चुका है। असंभव। असंभव। वकासुर ने उस बालक को निगल तो लिया था, पर उसकी सुरक्षा करने के लिए सभी देवता वहां प्रकट हो गए, पर फिर भी कोई वकासुर का सामना नहीं कर पाया। और फिर क्या हुआ? वो बालक स्वयं ही वकासुर के उधर से बाहर आ गया और उसकी चोंच तोड़कर उसकी हत्या कर दी। वन में वकासुर की चोंच टूट गई और यहाँ आपका ये धनुष। केवल नहीं टूटा तो आपका ये भ्रम महाराज, क्षमा कीजिएगा महाराज, आपका भ्रम टूटना आवश्यक है। आवश्यक है आपको ये आभास होना कि उस विष्णु अवतार को पराजित करने के लिए आपके साधारण योद्धाओं में वो सामर्थ्य नहीं है। अच्छा सर, उतना तृणावर्त वकासुर ये सब साधारण नहीं थे। प्राप्ति, साधारण नहीं थे। फिर तो ये और भी अधिक चिंता का विषय है महाराज, क्योंकि इसका अर्थ तो यही हुआ कि वो विष्णु अवतार कुछ अधिक ही असाधारण है और उसका सामना करने के लिए और उसे मिट्टी में मिलाने के लिए आपको एक ऐसे अस्त्र की आवश्यकता है जो उसके सामने ना झुके और ना ही टूटे। तो फिर मैं ऐसा ही अस्त्र ढूंढूंगा, चाहे आकाश पाताल एक क्यों ना करना पड़े मुझे, दसों दिशाएं 14 भुवन क्यों ना नापने पड़े मुझे, मैं उस असतर को अवश्य ढूंढ निकालूंगा जो उस विष्णु अवतार के प्राणों की डोरी इस धनुष की तरह तोड़ सके। थैंक्स बाबा, माने मैया को वचन दिया है कि जब तक नहीं चाहेंगी मैं वन नहीं जाऊंगा, इसलिए आप मुझे मारने के लिए कोई शक्तिशाली असुर ढूंढने में व्यस्त रहो।
कुछ दिन तब तक व्यस्त रहूंगा अपनी मैया की सेवा करने में। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।